एसएससी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज ब्लड रिलेशन के सेकंड एपिसोड में हैं और इसमें क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस मतलब कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बैंक पीओ एसएससी सीबीआई मैंने बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक क्वेश्चन है कि एम के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, तो के का आर से क्या संबंध है। इसको इस संकेत के माध्यम से इस प्रकार बनाएंगे, जैसे एम के का भाई है तो यहां पर लिखेंगे एम और के। एम का जेंडर स्पष्ट है इसलिए इसको त्रिभुज चिन्ह में रखेंगे, यह मेल है। पी के की बहन है, पी के की बहन है, यहाँ पर पी को लिखेंगे और यह के की बहन है इसलिए फीमेल है और फीमेल को सर्किल में रखेंगे। आर पी का पिता है, पी का पिता आर है और आर का भी जेंडर स्पष्ट है इसलिए इसको भी ट्रायंगल में रखेंगे क्योंकि यह मेल है। तो कह रहा है के का आर से क्या संबंध है, के का आर से मैंने इससे इसका संबंध बताना है। तो ये तीनों आपस में भाई बहन हैं और यह इनके पिता हैं, परंतु इसका जेंडर स्पष्ट नहीं हुआ है और इसी के बारे में पूछ रहा है, आर से संबंध पूछ रहा है, इसको बताना है, इसको नहीं बताना है। अगर इससे पूछता तब बताना होगा पिता, लेकिन इससे पूछ रहा है, आर से पूछ रहा है, तो के का आर से संबंध यानी कि के इसका या तो पुत्र होगा और नहीं तो पुत्री। तो आंसर लिख देंगे हम लोग पुत्र या पुत्री। इसका दूसरा क्वेश्चन है एम के की बहन है, तो यहाँ पर लिखेंगे एम, यहाँ पर लिखेंगे के और एम के की बहन है तो एम को सर्किल में रखेंगे। डी के का भाई है, इस के का भाई डी है तो यहाँ पर डी लिखेंगे और डी को ट्रायंगल में रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एफ एम की माँ है, एफ एम की माँ है तो यहाँ पर बनाएंगे एफ को और एफ एम की माँ है, एफ एम की माँ है तो यहाँ पर बना देंगे एफ और यह हो गई एम की माँ। अब कह रहा है के का एफ से क्या संबंध है, तो ये तीनों आपस में भाई बहन हैं और यह इन तीनों की माँ है, तो कह रहा है एफ से संबंध यानी कि इससे के का संबंध, तो इसका भी आंसर हो जाएगा पुत्र या पुत्री क्योंकि इसमें भी इसका जेंडर स्पष्ट नहीं है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है तीन नंबर कि दया का भाई अनिल है, तो यहाँ पर लिख देंगे दया, यहाँ पर लिख देंगे अनिल, दया का भाई अनिल है तो इससे स्पष्ट हो गया कि अनिल है वो मेल है। उसके बाद कह रहा है दया चंद्र का पुत्र है यानी कि दया के पिता चंद्र हैं, इसलिए यह भी स्पष्ट हो गया कि यह मेल है। बिमल चंद्र का पिता है, चंद्र का पिता बिमल, बिमल को ऊपर लिख देंगे और इसको भी त्रिभुज चिन्ह में देंगे क्योंकि यह भी मेल है। अब कह रहा है कि अनिल का बिमल से क्या संबंध है, तो बिमल के बेटा चंद्र और बिमल के पौत्र हैं दया और अनिल, तो इसका आंसर हो जाएगा पौत्र क्योंकि यह पूछ रहा है बिमल से, तो बिमल से अनिल का पौत्र का संबंध है। परंतु इस चैप्टर में चंद्र का जेंडर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह मेल है या फीमेल है, इसलिए ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में अगर पत्र कहीं मिल गया तब तो ठीक है, अगर इसमें नतनी का भी या नाती का भी जिक्र आए तब यहाँ पर देखेंगे कि अनिल मेल है और मेल है तो हमेशा इसका आंसर पौत्र के साथ नाती भी हो सकता है।
देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एम एन का भाई है तो बनाएंगे हम, लिखेंगे एम एन का भाई है, और एम एन का भाई है इससे स्पष्ट होता है कि एम मेल है। अब कह रहा है कि बी एन का भाई है, यानी कि बी का भी जेंडर स्पष्ट हो रहा है और यह भी मेल है, इसलिए इसको भी ट्रायंगल में रखेंगे। और एम डी का भाई है, एम डी का भाई है, तो एम का जेंडर तो स्पष्ट हो गया परंतु डी का जेंडर स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए एम को ट्रायंगल में है, इसके लिए कोई ट्रायंगल वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि एन बी का भाई है, एन बी का भाई है, तो यह जरूर नहीं है, यह बहन भी हो सकता है क्योंकि इसका जेंडर स्पष्ट नहीं है, तो यह आंसर गलत हो गया। अब कह रहा है एन डी का भाई है, एन डी का भाई है, देखिए इन दोनों में किसी का भी जेंडर स्पष्ट नहीं है, यह भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, इसलिए यह भी ऑप्शन सही नहीं है। अब कह रहा है एम बी का भाई है, एम बी का भाई है, देखिए दोनों ट्रेंगल में है और दोनों मेल है, इसलिए यह सही है। उसके बाद कह रहा है एम डी का भाई है, एम डी एम का भाई है, तो इसमें इसका जेंडर स्पष्ट नहीं है, यह बहन भी हो सकता है, इसलिए यह भी गलत, इनमें से कोई नहीं सही तो है ही, इसलिए यह भी ठीक नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है ए बी की बहन है, यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी, और चूंकि बहन है ए इसलिए इसको एक सर्किल में रखेंगे। अब कह रहा है सी बी की माँ है, सी को यहाँ पर रखेंगे, बी की क्या है माँ है, और माँ को फिर सर्किल में रखेंगे। कह रहा है बी सी का पिता है, यहाँ पर बी को रखेंगे और यह सी का पिता है, और पिता है तो मेल है, मेल है तो ट्रायंगल में रखेंगे। फिर कह रहा है ई डी की माता है, यहाँ पर ई को रखेंगे और इसको सर्किल में रख देंगे क्योंकि यह माता है। तब कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि ए का डी से इससे संबंध पूछ रहा है। तो देखिए आंसर में दोनों ऑप्शन में दोनों दिया रहता है, नतनी भी रहेगा और नाना भी रहेगा, तो यहाँ पर डी से पूछ रहा है, मतलब इससे इसका पूछ रहा है। तो देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन है और यह इनकी माता है, और माता के पिता इनके नाना हुए, और इस नाना से इसका संबंध नतनी का है, तो इसका आंसर हो जाएगा नतनी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दिया गया है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए को और बी को, ए बी का भाई है इसलिए इसका जेंडर स्पष्ट हो गया, इसको ट्रायंगल में रखेंगे। कह रहा है सी ए का पिता है, यानी सी जो है ए का पिता हो गया, सी ए का पिता है। इसके बाद कह रहा है डी ई का भाई है, इसको अलग लिख लेंगे, डी ई का भाई है। उसके बाद कह रहा है ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है, और यहाँ से इस संबंध को उठाकर रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बी को और ट्रेंगिंग, तो यहाँ पर बी के ये पुत्र और पुत्री हैं, और यह बी इसका भाई है, तो यह भाई चूंकि इसका जेंडर स्पष्ट नहीं है, यह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, अगर यह मेल है तो डी के चाचा ए होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, परंतु अगर मामा भी पूछता तो भी आंसर ए ही होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पी क्यू का भाई है, यहाँ पर लिख देंगे पी, यहाँ पर लिख देंगे क्यू, और इसका जेंडर स्पष्ट है, इसको त्रिभुज में रख लेंगे। अब कह रहा है कि आर क्यू की माँ है, यहाँ पर लिख देंगे आर और क्यू की माँ है, तो ये फीमेल है, फीमेल को सर्किल में रखेंगे। उसके बाद कह रहा है एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, यहाँ पर एस लिखेंगे या इसको ट्रायंगल में रखेंगे क्योंकि यह पिता है। उसके बाद कह रहा है
टी एस की माँ है, एस की माँ टी है, यहाँ पर इसको सर्किल में रख देंगे। तो कह रहा है बताइए कि टी का टी से क्या संबंध, मैंने इससे इसका संबंध बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यह इसका जो सो देखिए आप, टी और की आपस में भाई बहन है और यह इसकी माँ है और यह इनके पिता हैं। तो इसका संबंध इससे नाती का हो गया और इनके पिता, तो इसका इससे संबंध परनाती का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर परनाती, परंतु ऑप्शन के अनुसार अगर परपोता भी रहेगा तो हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बी की बहन है ए, यानी कि ए हो गया फीमेल और बी का कोई जेंडर पता नहीं। सी का भाई है बी, यानी कि बी हो गया मेल और यह हो गया सी, इसका जेंडर पता नहीं। डी का पुत्र है सी, यानी कि डी ऊपर और सी नीचे, डी का पुत्र है सी और सी का जेंडर पता है, यह हो गया मेल। अब कह रहा है कि ए का डी से रिश्ता, डी से रिश्ता पूछ रहा है, मैंने इस डी का ए क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्री। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी बहने हैं, तो इसको लिखेंगे हम ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई हैं, कोई रिलेशन नहीं इससे अभी, तो इधर लिख देंगे आर को और इधर लिख देंगे एस को, ये दोनों आपस में भाई। कह रहा है ए की बेटी आर की बहन है, अब इसकी बेटी, तो इसके बेटी के लिए एक सर्किल का चिन्ह दे देंगे। और ये कह रहा है कि आर की बहन है, अब आर को यहाँ पर रख देंगे, और आर मेल है और आर का भाई एस है, एस को भी यहाँ पर लिख देंगे। अब कह रहा है कि बी का एस से क्या संबंध है, यानी कि एस से इससे बी का क्या संबंध है। तो यह हो जाएगी मौसी, लेकिन अंग्रेजी में मौसी हो चाहे चाची हो, बोलते हैं आंटी चाहे आन। देखिए बी डी की माँ है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी और यहाँ पर लिख देंगे बी, और यह माँ है इसलिए इस पर सर्किल, बी डी की माँ है। अब कह रहा है कि सी डी का भाई है, यहाँ पर लिख देंगे सी और डी का भाई है इसलिए त्रिभुज का चिन्ह देंगे क्योंकि मेल है। अब कह रहा है एच ई की बेटी है, इसमें इसका संबंध नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे ई की बेटी है एच और एच के लिए सर्किल का चिन्ह देंगे क्योंकि यह फीमेल है। अब कह रहा है कि जबकि बी ई की पत्नी है, बी ई की पत्नी है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह देंगे, यहाँ पर ई लिखेंगे, और बी ई की पत्नी है तो यह हो गया फीमेल और फीमेल को सर्किल में, और ई हो गया तो मेल और मेल को ट्रायंगल में, और नीचे एच क्योंकि यह इसकी बेटी थी। अब कह रहा है कि ई का सी से संबंध, माने सी से सी इससे इसका क्या संबंध है। तो ये दोनों आपस में भाई बहन है और इस बहन के पति हैं, तो सी के बहनोई होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बहनोई। इसके आगे कॉन्सेप्ट के लिए अगले एपिसोड का वेट करें।